अब एक बार फिर से आपका स्वागत है। यमुनानगर में एक नेता को गरीब लोगों के गुस्से का शिकार होना पड़ा। दरअसल नेताजी लोगों को लोन दिलाने, छोटे मोटे काम करवाने के बहाने अक्सर इनसे पैसा ऐंठते रहते थे। यही वजह है जनता ने एक दिन इनकी जमकर खातिरदारी कर डाली। पिट रहे ये नेताजी किसी बड़ी पार्टी के नेताजी नहीं, लेकिन आम जनता के बीच अपने रौब से ये नेताजी बने हैं। लेकिन इन नेताजी को उस वक्त ये रौब भारी पड़ गया जब ये सफेद कपड़े पहनकर अपने दुपहिया वाहन से लोगों के बीच आए। जैसे ही लोगों ने इन नेताजी को अपने इलाके में देखा तो वो इस शख्स पर टूट पड़े। दरअसल देवेंद्र नाम का ये शख्स इन लोगों के बीच एक मसीहा बना हुआ था। ये कभी किसी को लोन दिलवाता तो कभी किसी व्यक्ति का बीपीएल कार्ड बनवा देता था। इतना ही नहीं, ये शख्स मृतक लोगों के प्रमाण पत्र भी एक झटके में बनवा देता था और काम के बदले मोटी रकम वसूलना इसकी आदत सी बन गई थी। यमुनानगर के कैंप इलाके के लोगों ने भी इस शख्स से कई काम करवाए थे, लेकिन इस बार इस शख्स ने काम करवाने के बदले रुपए पहले ही ले लिए थे, लेकिन काम नहीं करवा पाए और मृतक प्रमाण पत्र बनवाने के बहाने कई लोगों से 3,000-3,000 रुपए ऐंठ लिए, लेकिन किसी का भी काम नहीं करवा पाए। जैसे ही ये शख्स इनके इलाके में पहुंचा तो गुस्साई औरतों ने इनकी जमकर पिटाई कर दी। फिर क्या था, लोगों के बीच मशहूर नेताजी की नेतागिरी चंद मिनटों में ही जवाब दे गई। लोगों ने इस शख्स को तब तक पीटा जब तक उनका दिल नहीं भरा। इसके बाद इस शख्स को पानी पिलाया गया और लोगों ने फिर से दे दनादन पिटाई शुरू कर दी। इस पिटाई को देखकर आसपास खड़े नवयुवकों ने भी इस शख्स पर अपने हाथ साफ कर लिए और महिलाओं के साथ मिलकर शख्स की जमकर धुनाई की। अब आपको सुनाते हैं उन लोगों का क्या कहना है जो नेताजी की ठगी का शिकार हुए हैं। 2 लाख रुपए और 2 चेकले रखे लड़की के नाम के, और 2 लाख रुपया दुकान पे लगवा दिया। कहता है दुकान पे लोन होना है, 2 लाख रुपया दो, लेकर सामान और इकट्ठा करो। 2 लाख रुपया हमने दुकान पे लगा दिया, बिलो पैसे दिते ने इन्नू, इन्हें एक काम नहीं किता, 6 महीने हो गए ने साडा। किस किन्ने रुपए दिते? 3,000 रुपया दिता इन्नू। किस चीज ली? डेथ सर्टिफिकेट कटवाने वास्ते। बाद में इस पिटाई की सूचना पुलिस को दी गई और इस शख्स को पुलिस के हवाले कर दिया गया। अब पुलिस इस शख्स से पूछताछ कर रही है। पुलिस ने लोगों को कड़ी कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। ये कह रही है कि हम जो है सारे बीपीएल कार्ड मारे पड़े हुए हैं, कोई गवर्नमेंट की स्कीम है, 2 लाख रुपए जो गवर्नमेंट स्कीम के तहत 2 लाख रुपए लोन दिया, उसको 50,000 रुपए सब्सिडी है जैसे लोग बता रहे हैं। और इन्होंने कहा मारे से अपना हमारा लोन भी मंजूर हो गया, उसके बाद हमारा लोन इन्होंने जो हमारे पैसे देवेंद्र ने हमारे को पैसे नहीं दिए, हमारे पैसे यूँ पी गया, ये बता रहे हैं। अब इसकी जांच चल रही है, अब ये सच्चाई क्या है ये इन्वेस्टिगेशन में पता लगा। अब देखना ये होगा कि पुलिस इन लोगों को आखिर कब तक ठगे हुए पैसे वापस दिलवा पाती है। लेकिन लोगों ने इस शख्स को जो सबक दिया है उससे साफ जाहिर होता है कि जब जनता अपने गुस्से पर होती है तो सामने वाले की हालत क्या हो सकती है, ये आप तस्वीरों से साफ अंदाजा लगा सकते हैं। यमुनानगर से सुरेंद्र मेहता, MH1 न्यूज।